उत्तराखंड में गुरुवार की सुबह अचानक हुए एक बड़े साइबर हमले ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर दिया, जिससे सरकारी कामकाज पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इस हमले के चलते प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटें और सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई, जिसमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकारी दफ्तरों में दिन भर कामकाज ठप रहा, जिससे सचिवालय समेत राज्य भर में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ। हमला इतना खतरनाक था कि राज्य के सबसे अहम स्टेट डेटा सेंटर और सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान भी इसकी चपेट में आ गया। एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गईं, जिसमें सीएम हेल्पलाइन और अपूरी सरकार जैसी 800 से अधिक सेवाएं देने वाली वेबसाइट शामिल थी। जनता की शिकायतें दर्ज करने के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन को भी दिन भर ठप रहना पड़ा। इस साइबर हमले के चलते प्रदेश में 90 से ज्यादा वेबसाइटें पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच बाधित हो गई। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए में विशेषज्ञों की टीम साइबर हमले से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास कर रही है। आईटीडीए निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन और सिक्योरिटी को देखते हुए इस पर और कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सब कुछ रिकवर किया जा चुका है, कहीं से भी किसी भी तरह का कोई उत्तर नुकसान नहीं पहुंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के बाद ही सभी वेबसाइटों को पूरी तरह से सुचारू किया जाएगा। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग डेटा सेंटर में काफी सारी एप्लीकेशन अपने आप होस्ट करते हैं, तो हमें समस्त एप्लीकेशन जिन जिन डिपार्टमेंट्स की चलती है उन समस्त एप्लीकेशन को हम लोग रेगुलर स्कैनिंग और क्लीनिंग कराते रहते हैं। तो जब हम उस पर कोई भी ऑपरेशंस रन करते हैं, डीप स्कैनिंग उसकी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई वायरसेस जो छुपे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही डोरमेंट मोड में और एक्टिव हो गया। तो ये हमें आज से दो दिन पहले मतलब परसों पता चला, और हमने फिर तुरंत जैसे हमारे कुछ सिस्टम्स में जिसको हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं अपने डेटा सेंटर के टर्म्स में, उसमें हमें डिटेक्ट हुआ, तो हमने तुरंत अपने पूरे डीसी को डाउन कर दिया, ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपना पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परसों से इसलिए डाउन करा हुआ है। अब हमने हमारे पास लगभग 700 VMs बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन लगभग मशीन्स की हम लोगों ने अब तक सब स्कैनिंग कर ली है। तो एज सच कुछ भी हमारा इन्फेक्टेड या कुछ भी एज सच कुछ मेजर नहीं पाया गया है, तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और अब हम लोग हल्के हल्के आज जैसे कि कल हमारा पूरा स्वान नेटवर्क अप हो गया था, और हम हर वेबसाइट की हर एप्लीकेशन, हमारे पास 186 एप्लीकेशन होस्टेड है विभिन्न विभागों की, उन हर एप्लीकेशन को हम लोग चेक करते हुए, स्कैनिंग करते हुए हल्के हल्के उसको अप कर देंगे, तो स्थिति इस तरीके से नॉर्मल।